नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पूजा चौहान। मध्य प्रदेश में इन दिनों अपराध का बोलबाला है। प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान अपराधियों पर रहम नहीं कर रहे और प्रशासन को अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आदेश दे चुके हैं। पहले सीधी जिले में आदिवासी युवक पर पेशाब करने वाले BJP नेता प्रवेश शुक्ला को गिरफ्तार कर उस पर NSA की कार्रवाई की गई और उसके मकान को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। वहीं अब जबलपुर के बहुचर्चित वेदिका ठाकुर हत्याकांड में BJP नेता प्रियांश विश्वकर्मा के घर पर बुलडोजर चलाने का आदेश मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दे दिया है। आपको बता दें, जबलपुर की रहने वाली वेदिका ठाकुर MBA के फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और प्रियांश विश्वकर्मा के साथ उसकी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन उसी दोस्त ने अपने ऑफिस में बुलाकर वेदिका ठाकुर को गोली मार दी थी। गोली लगने के बाद आरोपी वेदिका को कार में लेकर एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक घूमता रहा। इस दौरान वेदिका का काफी खून बह चुका था और उसकी हालत गंभीर थी। आखिर में आरोपी वेदिका को अस्पताल में लावारिस हालत में छोड़कर फरार हो गया था। छात्रा को गोली लगने की खबर अस्पताल प्रबंधन ने ही पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने अस्पताल पहुंचकर वेदिका का बयान लिया, जिसमें वेदिका ने साफ शब्दों में कह दिया था कि प्रियांश ने ही उसे गोली मारी थी। छात्रा के इस बयान के बाद पुलिस ने आरोपी प्रियांश की तलाश शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने गलती से गोली चलने की बात कबूल की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धारा 307 के तहत आरोपी बनाते हुए जेल भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ इलाज के दौरान वेदिका ठाकुर जिंदगी की जंग हार गई। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करती हूँ कि जैसे अभी सीधी में घटना हुई, वो भी भाजपा नेता था, उसके 24 घंटे में उसके यहाँ कार्यवाही हो गई, तो क्या मैं उनकी बहन नहीं हूँ? क्या वेदिका उनकी भांजी नहीं थी? तो अभी तक प्रियांश विश्वकर्मा के घर क्यों नहीं कार्यवाही हुई? और 5 दिन हो गए, हाई कोर्ट में से भी खारिज हो गई, तब भी अभी उनके घर में ना बुलडोजर चला ना प्रशासन कोई कार्यवाही कर रहा है। आखिर क्या वजह लगता है क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? अब ये तो सब मुख्यमंत्री आदेश दें तो 24 घंटे के अंदर हो जाएगा। मुख्यमंत्री जब वहाँ सब कार्यवाही 24 घंटे के अंदर करवा सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं की? यहाँ कोई जिला प्रशासन इतना ढीला रवैया क्यों अपना रहा है? हाँ, कितने 11 दिन हो गए मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कि भाई जल्द से जल्द वेदिका को निष्पक्ष न्याय मिले, उसके घर भी बुलडोजर चला जाए, कड़ी से कड़ी उसको सजा दी जाए। वेदिका ठाकुर के परिजनों ने आरोपी के BJP से जुड़े होने की बात कही थी। पुलिस और प्रशासन पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की थी। वेदिका के समर्थन में कांग्रेस मैदान में आई, जिसके बाद प्रशासन ने उसके घर पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई शुरू की, जिसके चलते प्रशासन ने प्रियांश विश्वकर्मा के मकान को तोड़ने के लिए नोटिस दिया, लेकिन आरोपी के परिजन नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए थे। अब हाईकोर्ट ने प्रियांश के परिवार वालों की याचिका को ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि अपराधी प्रियांश का मकान जिस कॉलोनी में बना हुआ है वो पूरी कॉलोनी ही अवैध है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने एक बार फिर से हत्या के आरोपी प्रियांश के परिजनों को धारा 307 में नोटिस जारी कर उनके घर से अवैध कब्जे को हटाने की बात कही है। अब देखना होगा कि शिवराज सिंह का बुलडोजर कब आरोपी प्रियांश के मकान को ध्वस्त कर वेदिका ठाकुर को इंसाफ दिलाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। शुक्रिया।